अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे होंगे। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, काइंडली की तरह सपोर्ट करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ तो उसमें एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जब स्टेडियम में टॉस हुआ और बाबर आजम आया स्पीच करने के लिए, तो सबने बू बू के नारे लगाए आवाम ने। बहुत अफसोस हुआ, जैसे हैदराबाद में सपोर्ट मिली थी, हम इतना खुश थे, हमने वीडियो बनाई कि यार हैदराबाद में कितनी जबरदस्त सपोर्ट मिली, कि कैसा वेलकम किया गया, स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और बहुत लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए, तो हम बहुत खुश थे और हमने इसको अप्रिशिएट किया और इस पर वीडियो भी बनाई। लेकिन जब ये आए अहमदाबाद में, जब हमारी टीम अहमदाबाद में खेलने गई तो वहां पर बिल्कुल ही अपोजिट था। सबसे पहली चीज, अगर 1 लाख लोग थे तो मेरे ख्याल से 1 लाख में 10 लोग होंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने आएंगे, तो इस चीज का बहुत अफसोस हुआ। मैं टीवी पे बहुत देखने की कोशिश की, मुझे कहीं पाकिस्तानी सपोर्टर नजर नहीं आए। ठीक है, इंडिया का मैच था तो इंडिया का पूरा क्राउड आया, लेकिन जो वहाँ पे रिएक्शन हुआ उसका बहुत अफसोस हुआ। सबसे पहले जब टॉस हुआ तो टॉस जीते रोहित शर्मा, उन्होंने अपनी स्पीच की। उसके बाद जब बाबर आए तो सबने बू बू के नारे लगाना शुरू कर दिए, बू, पूरा स्टेडियम कर रहा था बू बू। तो ये बहुत डिसहार्टनिंग था, बहुत अफसोस हुआ। हमारा कप्तान बाबर आजम जब बोल रहा था, और रिस्पेक्टेबल कप्तान, पूरी दुनिया में उसके फैन है, नंबर वन का वो खिलाड़ी है पूरी दुनिया में, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ ऐसा किया गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। दूसरी चीज मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि स्टेडियम में जय श्री राम के जो है नारे लगाए गए, वो बोला गया। हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है भाई कि स्टेडियम में नारे क्यों लगाए गए। मसला सिर्फ ये है कि जब रिजवान स्टेडियम की तरफ जा रहा था बाहर, तो ही उसको हुटिंग करने के सेंस से या उस सेंस में लगाया गया कि ये रिजवान को सुनाया जा रहा है, कि रिजवान बाहर जा रहा है तो जोर जोर से जय श्री राम, शायद वो नमाज पढ़ता है इसलिए। तो आपको किसी की नमाज पढ़ने से तकलीफ नहीं चाहिए। बात यह है कि हमें भी जय श्री राम से कोई तकलीफ नहीं है भाई। आपका मजहब है, आप उसको फॉलो करें, बिल्कुल करें। अगर आपका कोई प्लेयर है वो स्टेडियम में इस तरह अकेले ये करता है या कुछ भी करता है आपके मजहब के हवाले से, रिलीजन के हवाले से, वो करे, हम कभी भी इस पर कंप्लेन नहीं करेंगे। रिजवान की जहां तक बात है, उसने नमाज पढ़ी, देखें नमाज फर्ज है, हम मुसलमानों के लिए नमाज जो है वो फर्ज है, और वो नमाज का टाइम था तो वहां पर ब्रेक हुआ, उसने जल्दी से नमाज पढ़ ली, उसे किसी को तकलीफ ही नहीं, उसने किसी के लिए नारे नहीं लगाए कि वो नारे लगा रहा है और वो बता रहा है, चिल्ला रहा है या स्टेडियम में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन आपके लोगों ने क्या किया, पूरे स्टेडियम में जो है जबरदस्ती नारे लगाए गए या मेंशन किया गया रिजवान जब वहां बाहर जा रहा था उसी टाइम जो है जय श्री राम, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपके अगर प्लेयर इस तरह करेंगे, स्टेडियम में करें या स्टेडियम के अंदर करें या बाहर करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपका मजहब है भाई, आप करें, लेकिन इस तरह कंबाइनली इस तरह करना और मेंशन करके जब वो जा रहा है उस तरह करना, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरीके का होता है, जिस तरह आपने किया वो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जय श्री राम से कोई तकलीफ है या हमें कोई आपके मजहब से कोई तकलीफ है, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि रिजवान की आपको नमाज से भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमें आपसे भी कोई तकलीफ नहीं है। उसमें जो है फर्ज नमाज थी, फर्ज नमाज जो है हम छोड़ नहीं सकते, उसमें जल्दी जल्दी से ग्राउंड में पड़ी और उसका एक अपना पर्सनल ये एक्ट था, और वहां पे क्या हुआ, ग्राउंड में एक कंबाइनली लोग ऐसा एक्ट कर रहे थे जहां पे पाकिस्तानी सपोर्टर भी नहीं है, और पूरा ग्राउंड ऐसा कर रहा था और मेंशन कर दिया रिजवान जब बाहर जा रहा था, इसी तरह बाबर के साथ किया। तो इस पे बड़ा डिसहार्ट है, हम तो इतना खुश थे जब हमने हैदराबाद में देखा वेलकम, और उसके बाद जो आवाम आई, क्राउड आई, यकीन करें हमने हर जगह बुलाया, ऐसा हमें लगता है ऐसा है नहीं, आवाम बहुत अच्छी है और आवाम अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें हैदराबाद में वेलकम किया गया, इतने अच्छे लोग थे, सपोर्ट किया, बहुत खुशी हुई, और हमने वीडियोज भी बनाई, हमारे पाकिस्तानी मीडिया पर्सन ने सबने जो है इसको वेलकम किया और वीडियो बनाई। तो बस अफसोस इसी चीज़ का हुआ के बाबर के साथ जो हुआ और जो रिजवान के साथ हुआ, जो नारे लगे, हमें फिर मैं अगेन कहूंगा हमें जी श्री राम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस तरह किया गया वो नहीं होना चाहिए। पर्सनल एक्ट है रिजवान का, नमाज से कोई तकलीफ नहीं चाहिए, वो उसमें जो है फर्ज नमाज जल्दी पड़ी, आप भी अगर करें आपके प्लेयर करें, हमें भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कंबाइनली करना, चिल्ला चिल्ला के करना, ये सही है। तो ये इंडिया को भी समझना चाहिए, एक तो देखें हमें अलाउ नहीं किया गया, हमारी आवाम वहां जा नहीं सकती, जाके मैच नहीं दे सकती, अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर सकती, और ऊपर से इस तरह अगर होगा तो दुख होगा। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई वीजा दे, हमारे लोग भी जाए मैच देखे, ताकि उनके भी सपोर्टर हो, हमारे पाकिस्तानी सपोर्टर भी हो। और दूसरी चीज, इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ग्राउंड में कंबाइनली इस तरह नहीं करना चाहिए। तो होपफुली गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको ऐसी मिलती रहे। तो मिलते गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।